एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है उसने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, बट बहुत सारे बच्चे कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको नहीं समझ आ रहा। वो बोल रहे हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरे आगे वाले बच्चे का हो गया है, मेरे पीछे वाले बच्चे का हो गया बट मेरा नहीं हुआ है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ और मैं भी यहाँ पर आपको शो कराना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है, आपने शायद मिस्टेकली देख लिया है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है कि आपने आपके जो CUET में रियल मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ पे कंसीडर नहीं हुए हैं, वो कुछ उन्होंने कम मार्क्स कर दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नाम आया है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और कैसे क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या फैकल्टी है और कैसे आपको हॉस्टल लेना है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो जैसा कि आपको ये पता है कि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था और ये नोटिफिकेशन जो आया था ये 13 को आया था, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था इसको और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी शेयर कर चुके थे, बट अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बना देती हूँ। तो MTech इन RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इसमें डेट आप देख लो ये 13 को आ गया था और इसकी लिंक आप यहाँ पे है, ये क्लिक हेयर कर लो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या लिस्ट में है। तो हम खोलेंगे यहाँ पे MCA की, MCA की लिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसकी लिस्ट देखेंगे कि क्या कैसे क्या आया हुआ है, और ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता भी चुकी थी बट ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि MCA की ये लिस्ट है, यहाँ पे राश्री है और अविनाश है, रुद्रा है, इनके आए हैं और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए और यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी देख लीजिए और CUET का स्कोर है और क्वालिफाइंग परसेंटेज UG। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो कम मार्क्स हैं उनका यहाँ पे निकाला गया है और वो आए हैं और हमारे पीछे वाले बच्चों को आगे किया गया है, तो मैंने ऑलमोस्ट, आप अभी जब देखे हो मैंने इस PDF को डाउनलोड किया है, तो इन्होंने बोला कि PDF डाउनलोडेड अगेन, मतलब मैंने सारी PDF ओपन करके बेटा देख ली है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आपको अपना CUET का स्कोर मिलाना है और यहाँ पर इनका स्कोर मिलाना है कि इन्होंने कौन सा स्कोर इन्होंने कंसीडर किया है, अपना CUET का स्कोर कंसीडर किया है या फिर आपका जो रियल में स्कोर है उसको कंसीडर किया है। तो अगर आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि मैम मेरे इतने मार्क्स ने यहाँ पे कम हो गए, तो ऐसा तो मैंने देखा है तो नहीं हुआ है। अगर आपको कोई इस तरह की तब भी अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने की। और बच्चों सॉरी, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से, थोड़ा सा मैं तबीयत भी ख़राब चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा और क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बेसिकली ग्लूकोज वगैरह पीते रहो, ठीक है, और मेरी बस वही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मतलब वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं सबको रिप्लाई करूँगी, आप वहाँ पे एक बार कमेंट कर दीजिए, वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहीं जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मैंने क्लियर किया है चीज़ों को, तो उससे मुझे यही दिखाई दिया है कि बेटा आपका जो ये कम मार्क्स वाला इशू है ये नहीं है। आप अपना अपना मिलाइए मार्क्स और कम जो हुआ है उनको देख लीजिए, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसी और, जैसे कि हमने बोल दिया इकोनॉमिक्स के बारे में, हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की भी PDF को हम डाउनलोड करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या आया हुआ है। इसमें आप देख लो, इसमें जो दिया हुआ है कि यहाँ पे ये CUET के मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है और ग्रेजुएशन का लिखा हुआ है कि क्या है यहाँ पे, कैसे कौन सी कैटेगरी है, क्या है आपकी जेंडर क्या है, इन सब को देख करके यहाँ पे क्लियर कर लो कि किन किन बच्चों को एडमिशन मिला है, किन किन बच्चों को नहीं मिला है। ये OBC है, ये SC है और ये ST है। ST के 88 मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है। और बच्चों मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी एडमिशन दिया जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जैसे कि केरला यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाता है एडमिशन, तो उसके लिए परेशान ना हो। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना के प्रोवाइड भी कर दिए थे और मैंने आपको बताया था कि झारखंड यूनिवर्सिटी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कम मार्क्स में भी एडमिशन दे दिया जाता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर ग्रेजुएशन में आपके 50% से अबव मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से दे दिया जाता है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे ये लिस्ट आपकी सेकंड की आ गई है, ये आप देख लीजिएगा, मतलब ये फर्स्ट लिस्ट आई हुई है और सारे इन सारे जो कोर्सेज हैं उनके दिए हुए हैं प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ओमनीबस लिस्ट इसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, मतलब आपका जो डाटा है उस ये वो आपका डाटा इस यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया है, वो डाटा इन्होंने कंसीडर कर लिया है और उन बच्चों के यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं। ये है कर्नाटका यूनिवर्सिटी का लिस्ट। अब अगर आपको ये जानना है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम कैसे क्या जानेंगे, तो यहाँ पे आपको नंबर दिया होता है। आप नॉर्मली अगर डाल दोगे गूगल पे, आप ये डाल दोगे कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी
कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पे जा करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ये सारा यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट दिया होगा, आप इनको कॉल करके बात कर सकते हो, इनको कर सकते हो, इनको कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं, आप किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब हमें हॉस्टल्स कैसे मिलेंगे, तो हॉस्टल के बारे में हम आपको अभी तुरंत के तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं, यहीं पर आ जाओ एक मिनट। हॉस्टल के बारे में आपको जानना है, तो ये थ्री डॉट्स बने हुए हैं, थ्री डॉट पे जाने के बाद आप नॉर्मली फैसिलिटीज़ पे क्लिक कर दीजिए। फैसिलिटीज़ पे क्लिक करने पे तो ऑप्शन आ जा रहा था, अभी तो आया था बट अभी नहीं आ रहा है, मेरी गलती नहीं है, बट ठीक है, वेट वेट वेट, आएगा, ज़रूर आएगा। आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करते हो ना, तो ये फैसिलिटीज़ में जब जाती हो तो फैसिलिटीज़ में हॉस्टल्स का आ जाता है यहाँ फैसल, हाँ ठीक है, अभी आया, एक मिनट मैं ऐसे कर लेती हूँ, हाँ तो ये देख लीजिए, फैसिलिटीज़ में जाने के बाद नहीं, ये सेकंड नंबर पे हॉस्टल आ रहा है, आप हॉस्टल पे क्लिक करिएगा। हॉस्टल पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ये डिटेल दी गई है, कितने आपके हॉस्टल में रूम अवेलेबल हैं, बॉयज़ का क्या है, गर्ल्स का क्या है, वार्डन कौन है, इन सब के बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ जरूर से लेना, जैसा कि मैं बोलती हूँ, और अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी। प्लस यहाँ पर अगर आपको जानना है कि मैम प्लेसमेंट कैसा है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट सेल पे आप क्लिक कर लोगे तो ये प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ क्लियर होकर के आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैम हमें ये बताइए कि हमारा जो एडमिशन होगा वो होगा तो कैसे होगा। तो जैसे कि आपकी जो लिस्ट आई है, कई कई बच्चों को तो देखो नोटिफिकेशन पहुँचा है, मतलब उनको मेल पहुँचा हुआ है कि भाई आपका ये मेल है, आपके मेल पर यहाँ पर आ गया है, नोटिफिकेशन पहुँच गया है और आप अपनी फ़ीस सबमिट कर दो। तो अपना मेल चेक करना, और अगर उसमें ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। प्लस यहाँ पर देख लीजिए, जो लिस्ट आई है वो MBA की भी लिस्ट आई है, ओवरऑल स्टूडेंट की यहाँ पर लिस्ट गई है, उसके बारे में देख लीजिए। अगर आपने MBA के लिए यहाँ पे फॉर्म किया हो तो एक बार देख लेना, इस लिस्ट को भी डाउनलोड करके देख लेना कि क्या इसके बारे में बोला जा रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, एक एक चीज़ें इसमें क्लियर कर दी जाएंगी। तो एक बार ये देख लो कि आप बच्चों के किन किन बच्चों के नाम है, ऑफलाइन इसमें जाना होगा, इसके लिए देख लेना, इसमें जो है आपको ऑफलाइन जाना होगा, और ये डेट दी है और ये टाइम दिया है, 19 को जाना है। बेसिकली पर्सनल इंटरेक्शन उसको बोलते हैं, कि आपको जा करके वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे पढ़ लेना जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लेना। प्लस यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन मोड से करना चाहते हो तो गूगल मीट पे भी कर सकते हो, और 45 मिनट पहले ही आपको यहाँ पे सारा सब कुछ अपना नेटवर्क वगैरह चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कि आपको जो वीडियो है वो हमेशा ऑन रखना है, अगर आपने ऑन नहीं किया तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है, और ये आपका ग्रुप दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर इनकेस कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे बेझिझक पूछ लेना, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच।